हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। वी आर डिस्कसिंग क्लासेस ओडिशा आदर्श विद्यालय संजोग बुक पोएम माइस क्वेश्चन आंसर। लास्ट वीडियो में हम उसका एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर यहां तक कर चुके हैं, सिक्स तक। ये पेज नंबर 74 है। बच्चों, आप मेरा हिंदी सुन के ये वीडियो बंद अप मत कर देना, क्योंकि मैं उड़िया में भी समझाता हूँ ना। अच्छा देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन है, व्हेन वी टॉक अबाउट वन पर्सन इट इज सिंगुलर। जब हम किसी एक व्यक्ति के बारे में बात करते हैं तो वह एक वचन होता है। जिते बड़े हमें कौन सी जड़े व्यक्ति के विषय में कही था सेते बड़े तह एक वचन होता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग्स इट इज प्लूरल। लेकिन जब हम एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वह बहुवचन होता है। जिते बड़े हमें एक रु अधिक जिनस कि व्यक्ति के विषय में कही था ताकू बहुवचन बोली कह जाए। ए थिंग और ए पर्सन इज मेड प्लूरल इन द फॉलोइंग वे। किसी वस्तु या व्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार से हम बहुवचन बना सकते हैं। तले जमी दि जापर बहुवचन बन पार मैंने सिंगुलर थी ताकू प्लूरल केमती करवा, एक वचन थी ताकू बहुवचन केमती करवा। देख गोटे वे हूँ ए रे बाय आडिंग एस टू दि वर्ड। यही वर्ड रे आमे एस गोटे खाली जोग करदे, जमी सिंगुलर कैट प्लूराल कैट्स, लास्ट खाली एस गोटे लग जा। लाइक वाइज इसी प्रकार डग डग्स होता है, डग में एक एस लगाने से ये प्लूराल हो जाता है, बहुवचन हो जाए। तापर ईएस लगे कि करवा बाय एडिंग यस टू द वर्ड, इसी वर्ड में यस लगाएंगे। बस बसेस होता है, बस के एंड में देखो यस लगा हुआ है। लाइकवाइज बस बी सॉरी बुश बी यू एस एच बुश बुशेस होता है, यस लगा के बुशेस कर सकते हैं। मैंगो को यस लगा के मैंगोज, एटा गोटी आंब को बुझाई थाए, एटा आंब गुड़िक को बुझाई थाए। लाइकवाइज बक्सटा बक्सेस होता है प्लूराल कला बेले। नियम गुड़ाक मानवा को पड़ो, ओके माने तुम्हें मानिक चलने को पड़ो। तो मैंगो को केवल एस लगे के प्लूराल करवानी, एथेरे ई एस लगे ही पड़ो। ओके नेक्स्ट, बाय चेंजिंग द स्पेलिंग ऑफ द वर्ड, ई स्पेलिंग को परिवर्तन करके करवा। देख माउसटा माइस है, आउ टूथ्र प्लूराल करने टीथ लिखा पड़ा टीई टी एच। लाइक वाइज बाय नॉट चेंजिंग द वर्ड, वर्तमान वर्डर कौन सी परिवर्तन करवा ना आउ प्लूराल करवा। जमी जदि डियर प्लूराल करने चाहो खाली डियर को ही लिख, डियर मीनस एक वचन रे आउ एटा भी बहुवचन रे भी होता है, शिपटा केवल शिप बहुवचन रे भी होता है। नेक्स्ट, गिवेन बिलो आर सम सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ सम वर्ड्स यूज्ड इन दिस पोएम। इस कविता में प्रयुक्त कुछ शब्दों को नीचे दिया गया है एक वचन रूप में, एक वचन रूप नीचे दिया गया है। फिर तले एक वचन रूप दिया जाए कतक वर्ड जो गुड़ाक पोएम यूज होती। फाइंड आउट द प्लूराल फॉर्म्स ऑफ दिस वर्ड्स फ्रॉम द पोएम एंड राइट देम अगेंस्ट ईच ऑफ द वर्ड्स। तो कविता से इन शब्दों के बहुवचन रूप ढूंढिए और उन्हें प्रत्येक शब्द के सामने लिखिए, प्रत्येक शब्दर सामने लिखिए। जमी माइस सामने माउस सामने माइस, टेल सामने टेल्स लिख। वन इज डन फॉर यू, गोटे तुम्हें कर दिखाई माउस बहुवचन प्लूराल माइस हेब, सेमती टेल रब या सीधा लिखा टेल्स टी ए आई एल एस। लाइक वाइज फेस लिखा फेसेस एफ ए सी ई एस फेसेस। स्किन लिखा स्किन्स एस के आई एन एस। इयर लिखा इयर्स ई ए आर एस। देन टूथ लिखा टीथ टी ई ई टी एच। थिंग लिखा थिंग्स टी एच आई एन जी एस। सब सीधा सीधा लिख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द पोएम इज अबाउट माइस। यह कविता माइस के बारे में है, कविता टी माइस मान का विषय अटे। कैन यू राइट सम लाइन्स अबाउट कैट्स, क्या आप बिल्लियों के बारे में कुछ पंक्तियाँ लिख सकते हैं। तुम्हें कैट विषय किसी लिख पार कि सम लाइन्स आर गिवन फॉर यू,
आपके लिए कुछ पंक्तियाँ दी गई है, थोड़ा कुछ दिया जाए आई थिंक कैट्स, मुझे लगता है कैट्स आर रादर बैड, बल्कि बुरे हैं, यह खराब पटंती मैंने मत लगे जो बिल्ली मैंने खराब पटंती, दे आर टेल्स आर थिक, इनकी पूंछ मोटी होती हैं, समानकर लंगड़ो मोटा है थे, दे आर फेसेस आर स्मॉल ARE स्मॉल SMALL स्मॉल। नेक्स्ट कंटिन्यू करवा आगे को, नेक्स्ट लाइन लिख पारे दे आर टीथ आर व्हाइट THEIR टीथ TEETH टीथ आर ARE व्हाइट WHITE। नेक्स्ट लाइन दे THUI दे रन अबाउट RUN रन अबाउट ABOUT सोने दौड़ा दौड़ी करती, द हाउस TH द हाउस आम घर को आसती HUSE हाउस, तापरे एट एनी टाइम लिखा जेकोसी समय रे एट एनी टाइम ANY टाइम TIME मूसा मान लिखी एट नाइट राति रे किंतु बिले मैंने सब आसता जिते इच्छा जो एट एनी टाइम। नेक्स्ट लाइन लिखा दे इट से मैंने खाई पकाती EAT दे इट फ्राइड फिश FRIED फिशेस FISHES दे इट फ्राइड फिशेस से मैंने भजा जाता माछ खाई दियंती, दे शुड नॉट टच लिखा तापर जोटा से मैंने छुईवा कथा नुहे दे शुड SHOULD दे शुडंट एन अपोस्ट्रोफी टी टच TOUCH तापर नेक्स्ट लिखा एंड ANDE नो वन NO1 नो वन सीम्स SEM नो वन सीम्स टू लाइक देम मच लिखा टू लाइक देम मच MUCH एंड आई थिंक तब लिख एंड बट लिखानी एंड आई थिंक रैट्स सॉरी कैट विषय लिखुं आई थिंक कैट्स आर बैड BAD फुल स्टॉप। क्वेश्चन 9 है द पोएट लाइक्स माइस कवि माइस को पसंद करते हैं कवि मूसा को भल पाती हाउएवर यू डोंट लाइक देम हालांकि आप उन्हें पसंद नहीं करते जाओ ना कहें कि तुम्हें पसंद करो नहीं रीराइट द पोएम एक्सप्रेसिंग योर डिसलाइक्स अपनी नापसंदगी व्यक्त करते हुए कविता को दोबारा लिखें तुम्हारो नापसंद को दर्शाई तुम्हें कविता को आउ थे लिखो द फर्स्ट टू लाइन्स आर डन फॉर यू पहली दो पंक्तियाँ आपके लिए तैयार है प्रथम दुईट लाइन तुम्हें कर दिया है आई थिंक माइस आर नॉट माइ नाइस मु भावे ये जो मूसा गुड़िक भल नुहंती या एमती लिखिपर आई थिंक माइस आर नॉट नाइस दे आर टेल्स आर लॉन्ग दे आर फेसेस स्मॉल दे हैव नॉट एनी स्किन्स एट ऑल दे आर इयर्स आर पिंक दे आर टीथ व्हाइट दे रन अबाउट द हाउस एट नाइट दे निबल थिंग्स दे शुडंट टच स्टिल मोस्ट पीपल सीम टू लाइक देम मच बट आई थिंक माइस आर नॉट नाइस। नेक्स्ट पेज नंबर 77 ओके 76 रे एटा थिला कोनटा लिखले 77 क्वेश्चन नंबर 10 इज राइट द आंसर्स फॉर द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर ईच एट द व्हाइल रीडिंग स्टेज व्हाइल रीडिंग स्टेज रे वर्तमान जो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन गुडा कर आंसर लिख बोली कहा जाय छी हालांकि हमें ऑलरेडी लिख सारिलेनी तापर 11 अछि डू मेंटल टॉक मानसिक बातें करें
मानसिक कथा हुआ। मेंटली रिपीट द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम। कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को मानसिक रूप से दोहराइए। तले थिबा ए पंक्तिटा को मने मने पढ़ो। लिखा छि आई थिंक माइस आर रादर नाइस देयर टेल्स आर लॉन्ग। एटा मने मने भाबबा पई कह जाय छि। नेक्स्ट वीडियो रे हमें ए टेल पीसटा पढ़िबा टू ब्लैक बर्ड्स। इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस ऑन बेल आइकन। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।